हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सन गाइज। मेरा नाम है आशीष जायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में फिर से एक बार आपके लिए एक और कंपैरिजन नया कंपैरिजन लेकर आया हूँ। इस बार हम कंपेयर करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग को बीएएसएलपी के साथ। तो बीएएसएलपी क्या है और किस तरीके से इसका कंपैरिजन होगा उसको जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू चैनल वन सन गाइस। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम इस वीडियो में कंपैरिजन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग का एक नया कोर्स जो काफी कम लोगों को जिसके बारे में जानकारी है वो है बीएएसएलपी। दोस्तों बीएससी नर्सिंग के बारे में तो आपको जानकारी है ही है क्योंकि हमारा चैनल जो है वो ज्यादातर इस पर वीडियोज हमारे नर्सिंग के हैं। बीएससी नर्सिंग के बारे में अच्छी जानकारी आपको है। अब हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने समय या फिर बीएससी नर्सिंग अच्छा है या फिर बीएएसएलपी अच्छा है उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि ये बीएएसएलपी क्या है। तो अगर हम देखा जाए बीएएसएलपी के बारे में एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो बीएएसएलपी स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स और इसे बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी भी कहा जाता है। तो एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिस तरीके से बीएससी नर्सिंग प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है उसी तरीके से ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, उसी तरीके से बीएएसएलपी ये जो कोर्स है ये भी 4 साल का है। और नर्सिंग के बारे में बात करें तो नर्सिंग स्किल्स आपको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग, चाहे कोई भी पेशेंट हो किसी भी तरीके से हो, तो वहाँ पर जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल आपको वहाँ पर वर्क ड्यूटी होती है। अगर इस पर हम बात करें बीएएसएलपी में तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली कोर्स के नाम में ही सब कुछ लिखा है, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज। तो इस डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादातर वर्क है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, अगर आपको बीएएसएलपी इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है देन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल रादर देन बीएससी नर्सिंग। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू हैव टू गेट पास फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। आपका 12th साइंस होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आपने 10+2 पास करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से बीएससी नर्सिंग में है जो बायोग्रुप है, बायोग्रुप वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ और बायो, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। एक और चीज़, आपको मिनिमम 50% मार्क्स का रिक्वायरमेंट है बीएससी नर्सिंग में, 45-50% मार्क्स का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी 50% मार्क्स का रिक्वायरमेंट है इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन। ये जो पूरा कोर्स होता है वो 4 साल का कोर्स होता है और इसमें से अगर सब कुछ अगर देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो लगभग 3 साल में पूरा क्लासरूम हो जाता है। क्लासरूम में सभी लेक्चर्स वगैरह सभी चीज़ें हो जाते हैं एंड 1 साल, 1 ईयर इज डेडिकेटेड फॉर इंटर्नशिप। 1 साल का इंटर्नशिप आपको यहाँ पर मिलता है। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में 1 ईयर्स का इंटर्नशिप दिया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में 6 मंथ्स का इंटर्नशिप दिया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में 4 ईयर्स का पूरा लेक्चर्स और सभी क्लासरूम के सभी चीज़ें होने के बाद फिर से एडिशनल 6 मंथ्स का इंटर्नशिप दिया जाता है। तो वो डिफर करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अब हम बात करते हैं एडमिशन की, तो बीएएसएलपी इस कोर्स में एडमिशन आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर दैट यू गेट इन द बोर्ड एग्जाम। 12th साइंस के बोर्ड एग्जाम में आप में जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है। अब कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वो रूल फॉलो करते हैं, द रूल ऑफ मेरिट बेस्ड एडमिशन। तो उन कॉलेजेस में आपके आइदर 12th बोर्ड के एग्जाम्स या फिर एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स, मतलब स्टेट या फिर नेशनल या फिर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम मतलब हेल्ड की है तो उस एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। तो एडमिशन के लिए ये तरीका है। सो इफ यू वांट टू गेट एडमिशन टू बीएएसएलपी दिस इज द एडमिशन क्राइटेरिया। अब बात करते हैं सिलेबस की, नर्सिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग में लगभग 15-16 सब्जेक्ट्स है। सिर्फ 1 या 2 चीज़ों पर वो आधारित नहीं है, सब्जेक्ट्स काफ़ी डिफरेंट है। तो जो भी सेक्टर से अगर ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर हम बात करें तो एनाटॉमी में जो भी चीज़ें रिलेटेड है ना, जो भी ऑर्गन्स है उन सभी के रिलेटेड नर्सिंग केयर आ जाती है। अगर मैं बात करूँ बीएसएलपी की तो ये जो सिलेबस है इसका 4 साल का सिलेबस वो मेनली 2 सब्जेक्ट्स पर बेसिस है, मतलब मेनली 2 सब्जेक्ट्स पर डिपेंडेंट है। एक इज़ वन इज़ ऑडियोलॉजी एंड सेकेंड इज स्पीच पैथोलॉजी।
तो जितने भी सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में आप जितने भी सब्जेक्ट्स इस 4 साल के कोर्स में आप सीखने वाले हो वो सभी दे आर रिलेटेड टू ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी। नर्सिंग की अगर हम बात करें तो 16 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, 15 to 16 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। उसमें फर्स्ट सेकेंड पार्ट वन पार्ट टू है वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग में एंड BASLP में, वो दो चीज़ें डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की या फिर जॉब्स की अगर हम बात करें तो नर्सिंग में प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब्रॉड और लाइक काफ़ी सारे चीज़ें हैं, टीचिंग भी आप कर सकते हो। अगर हम बात करें BASLP की तो इस कोर्स के बाद प्राइमरीली आपको जॉब या फिर कॉमनली जॉब की बात करें तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो, यू गेट गुड जॉब इन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। NGOs में आप काम कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्पेशल स्कूल्स में, मतलब हियरिंग एंड स्पीकिंग डिसऑर्डर्स की जो स्कूल्स होते हैं उन स्टूडेंट्स को भी आप सिखा सकते हो। तो इस तरीके से BASLP में जॉब है एंड BS नर्सिंग में जॉब है। अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की तो BASLP के बाद आप ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हो, स्पीच पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, टीचर या फिर इंस्ट्रक्टर बन सकते हो स्पेशल स्कूल्स में, हियरिंग एड्स मार्केटर, हियरिंग एड्स स्पेशलिस्ट जो कंपनीज होती है इन हियरिंग एड्स को बनाने वाली वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम द रिहैबिलिटेटिव स्पेशलिस्ट। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल हो सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग BASLP। तो ये कंपैरिजन है BS नर्सिंग और BASLP में। अगर हम बात करें ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी इस कोर्स की तो ये एक ऐसा कोर्स है ना जो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोगों को इसे इसके बारे में पता नहीं है। अगर हम बात करें BS नर्सिंग की तो इट हैज़ वाइड स्कोप्स की अगर हम बात करें इन दोनों कोर्स में तो नर्सिंग में काफ़ी ब्रॉड स्कोप्स है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं, काफ़ी सारे चीज़ों में आप जा सकते हो, यू कैन गेट जॉब। और बात करें BALSP तो यहाँ पर ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी इन चीज़ों के रिलेटेड ही आपको जॉब्स मिल सकते हैं, लेकिन जॉब्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये हुआ एक छोटा सा कंपैरिजन। आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट है, कौन सा कोर्स आपको बेस्ट लगता है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी और चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर आप मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हो, आपको मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।